आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर यहां आगरा से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए आगरा के लाल कैप्टन शुभम गुप्ता के पैतृक आवास पर आगरा के अधिकारी जनप्रतिनिधि ने शहीद कैप्टन के परिजनों को ढांढस बनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि के साथ ही परिजनों में से किसी एक को सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान भी किया। वहीं शहर की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की बात भी कही है। क्योंकि स्वयं एक बहुत बड़े देश प्रेमी है और हर देश प्रेमी के प्रति उनके जो संवेदनाएं हैं, जो श्रद्धा है, उसका एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि जो शहीद हुआ है आगरा का ये लाल शुभम, इसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे नामित किया है और 50 लाख का चेक और इनके एक परिवार को कहीं सरकारी नौकरी, जहाँ भी परिवार वाले जिसको भी नामित करेंगे उसको दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संवेदनशीलता है, एक रोड का नाम, हाँ एक रोड का नाम भी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 100 नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को सीजनल व्यक्तित्व वाला करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने 75% का आरक्षण फार्मूला लाए हैं। विपक्ष पर हमलावर होते उन्होंने कहा कि हमें भी 5 राज्यों के जनादेश का इंतजार है, उसी के अनुसार हम अगले कार्यक्रम तय करेंगे। हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का के साथ साथ जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका भी हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। तो हमारी पार्टी के नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि और नगर निकाय के चुनावों के प्रतिनिधि का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारी पार्टी की ओर से चल रहा है। जिला पंचायतों में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग 1-2 दिन का हमने हरियाणा में संपन्न हो गया। सभी जिला पंचायतों के सदस्यों के वर्ग संपन्न हो गए और ब्लाकों के BDC मेंबरों के भी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। ऐसी सभी नगर पालिका अध्यक्षों के और नगर पंचायत अध्यक्षों के प्रशिक्षण वर्ग हमने प्रारंभ किए हैं। आज सुल्तानपुर में काशी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र के जो निर्वाचित नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं उनका 1 दिन का प्रशिक्षण वर्ग आज सुल्तानपुर में आयोजित किया गया है। खबर मऊ जनपद से। मऊ जनपद में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ओमप्रकाश राजभर पर बड़ी बात बोलते हुए कहा कि घोसी का उपचुनाव सेमीफाइनल था, आगामी लोकसभा के चुनाव में ओमप्रकाश राजभर को और बड़ी हार मिलेगी। राजीव राय ने कहा कि जब सुभाषपा हमारे साथ थी तब हमारा उम्मीदवार 25,000 वोट से जीता, जब हमें छोड़कर चले गए तब हमारा उम्मीदवार 42,000 से वोट से जीता। पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ इतना है कि मोदी जी की तरह आपको भी दूसरी बार यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका गुस्सा निकाल रहे हैं मोदी जी आपसे। अगर वो राजस्थान में दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में दे सकते हैं योगी जी, तो आपके लोगों को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते हैं? या योगी जी आप स्वयं खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर चुनाव आएगा तभी आप लोग लेकर आएंगे। ये असली दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी बड़े मंचों से रेवड़ियां न बांटने की बात करते हैं और इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि स्कूटी से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ बांटने लगते हैं। या तो बेचना या तो बांटना इनका पैसा रह गया है चुनाव जीतने के लिए। मैं मांग करता हूं कि जो खबर कानपुर से। कानपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले सुनील शुक्ला के निजी आवास अशोकनगर में पहुंचे, जहां पर उनके पहुंचते ही उनके भक्तों का तांता लग गया। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। वहीं राजनीतिक सवाल पूछने पर बोले, हम राजनीतिक टिप्पणियाँ नहीं करने वाले हैं। हो गई
की आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए, उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हो, चाहे पंथ अनेक हो, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक। राजनेताओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते, हमसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। अगली खबर कन्नौज से। कन्नौज के छिबरामऊ विकास खंड के बिकूपुर में रहने वाली एक विधवा महिला ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन के नाम पर धनगवाही का आरोप लगाया है। महिला ने एडीओ और समाज कल्याण अधिकारी पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 रुपये की मांग करने का आरोप लगाया। वहीं महिला की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी ने इस पूरे मामले पर जाँच के निर्देश दे दिए हैं। खबर अयोध्या से। अयोध्या के मुचीपुरा ग्राम सभा भारत कुंड में कृष्ण जन्मभूमि से पहुंचे आचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री से हमारे सहयोगी ने कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर के बजट के बारे में और अयोध्या के सुंदरीकरण के बारे में जाना। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मैं शक्ति ठाकुर प्राइम टीवी एक बार फिर से पहुंचा प्रभु श्री राम की आध्यात्म की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में आज अयोध्या में हमारे साथ में कृष्ण जन्मभूमि के संत मौजूद हैं और पीएम मोदी कृष्ण जन्मभूमि का निरीक्षण करने गए हैं, कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए हैं, कुछ बजट का ऐलान होना है। हम संत मौजूद हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है आचार्य नीरज कृष्ण शास्त्री, श्रीधाम वृंदावन से हूं। और बड़ा ही सब बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को, मीडिया को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से हम सभी की बातें आप सभी के कानों तक पहुंचती हैं। रही श्रीधाम वृंदावन के श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के विषय की बातें, चूँकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, उस विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि वहां दर्शन करने में कितनी तकलीफ़ होती है। अटल्ला चुंगी से लेकर के बांके बिहारी पुलिस चौकी तक जो भीड़ होती है उसका शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी एवं सभी हमारे जितने भी गणमान्य लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कॉरिडोर बनाने के पीछे एक मकसद ये भी है कि अधिक से अधिक यात्री श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकें। जब कभी हम जाएंगे या आप जाएंगे, इस समय की जो वर्तमान स्थिति है, इतनी भीड़ होती है कि उस भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा, कब कितनी आएगी इसका कोई पता नहीं। लेकिन कॉरिडोर बनने से एक लाभ ये होगा कि अटल्ला चुंगी, जैसा कि मोदी जी पहुँचे हुए हैं तो कुछ बजट का ऐलान कर सकते हैं, उसके बारे में संतों का क्या? जी, तो उसके विषय में ये है, चूँकि परिक्रमा मार्ग उत्थान कॉरिडोर के आसपास के जो जगह हैं और जो भी मंदिर हैं, जैसे राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं और श्री गोपेश्वर जी हैं, ये जो बहुत सकरे रास्ते हैं, इनको थोड़ा इनका चौड़ीकरण या विस्तरीकरण हो जाए। और जो मुख्य मार्ग है छठीकरा से आते हुए या जो वृंदावन मथुरा से आते हैं हम लोग वात्सल ग्राम होते हुए, वो बहुत छोटा मार्ग है, उस मार्ग को अगर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए और कुछ पेड़ पौधे वृक्ष और जो आसपास परिक्रमा मार्ग का विस्तरीकरण हो जाए, आने जाने केसी घाट के आसपास जो समस्याएं हैं उनके विषय में अगर कुछ बजट पास करते हैं, तो मुझे लगता है ये वृंदावन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। अच्छा, आप अयोध्या आए हुए हैं, अयोध्या में जिस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई है और रास्ते चौड़े हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक अयोध्या पहले देखी थी, एक अब देख रहे हैं। जिस प्रकार का यहाँ स्वाभाविक जो गति प्रदान की है हमारे सभी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और इसके विषय में मैं बहुत पहले गया था, आज जाता हूँ, तो राम जन्मभूमि के जो रास्ते हैं वहाँ पर गाड़ी जाना मुश्किल होती थी, लेकिन आज मैं ग्राम मुर्चीपुर और यहाँ पर आया हूँ। अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान, और आज से श्री श्री महापुराण की कथा यहाँ शुरू होने जा रही है, जिसके यजमान आदरणीय श्री अमन दुबे जी हैं, और ये सभी लोग श्रीमान मान बाबू जी, करणी सेना के महामंत्री जी हमारे पास में बैठे हुए हैं। तो इस अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में श्री अवध की जो झांकी होगी, वाकई वो दिव्य होगी और भव्य होगी और नव्य होगी। आप सभी आएंगे, इतना चौड़ा रास्ता देख करके मन गदगद हो जाता है, ऐसा ही जैसा श्री अवध में आप नज़ारा देख रहे हैं, वैसे ही श्री वृंदावन में आप श्री बांके बिहारी जी का नज़ारा देखेंगे। जैसा कि गुरु जी का कहना है कि जो बजट का ऐलान होना है कृष्ण जन्मभूमि के लिए, वो कुछ खास होगा। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी अयोध्या।
खबर देवरिया से। विकसित भारत की संकल्प यात्रा की शुरुआत आज बैतालपुर में हुई। इस दौरान कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही और सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के साथ डीएम अखंड प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी पेट्रिस पांडे ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। 25 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के विकसित होने का एक लक्ष्य संकल्प रखा है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय बनाए जाने का कार्यक्रम, लोगों को प्रधानमंत्री किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको हर चार महीने पर 2,000 रुपये की धनराशि को भेजा जाना, इसी प्रकार से पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से जो खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में अर्थला की मेन रोड पर जलभराव से लाखों लोग नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। इसको लेकर स्थानीय निवासी पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि डीएमआरसी और नगर निगम उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और एक दूसरे पर इस परेशानी का ठीकरा फोड़ता नजर आ रहा है। कुछ ना मिला है, बस ये गड्ढे खोद के पहाड़ बना दिए जिससे कि हम ढक जाए, दिखाई ना दे कि धरना चल रहा है, बस ये तो कर दिया इन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। डीएमआरसी की आप लोगों की मीटिंग हुई थी, डीएमआरसी में क्या? डीएमआरसी ने तो बोल दिया है जी नगर निगम वाले अपने चाहे तो अपना नाला बना लें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने एनओसी भी दे दी है उन्हें। अब नगर निगम वालों को क्या करना है, उन्हें देरी कर रहे हैं, जानबूझ के हैं या क्या सिस्टम है वो उनको पता है। बाकी हमसे मिलने कोई नहीं आया, कल आए थे वो कह के चले गए थे कि हम हमारी बातचीत चल रही है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। मास्टर धर्मपाल से। यहाँ पर एक अर्थला पर एक धरना चल रहा है पानी की समस्या को लेकर, जो पानी की निकासी है, नाला चौक है, अब तक आज चौथा दिन है, अभी तक क्या कार्य हुआ है, किस अधिकारी से आप मिले हैं और क्या आश्वासन मिल पाया? अधिकारी तो सारे जो नगर निगम के हैं, मेयर साहब हैं, एमएनए हैं और जो है ऊपर डीएम साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर सब पे प्रत्यावेदन जो है हजारों जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थिति जो है इसमें सुनवाई नहीं हुई है और अब जब तक हम ये सुनवाई पूरी ना होगी तब तक जो है हम इस पर धरने पे बैठे हैं। गाजियाबाद के थाना कबीनगर क्षेत्र के चिरंजीव बिहार में कुछ दिनों पहले एक घर में बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ था। वहीं इस हत्या का खुलासा करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद के चलते बेटी के पति ने बुजुर्ग महिला को गला दबाकर हत्या कर दी, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। थाना क्षेत्र कबीनगर के चिरंजीव बिहार इलाके में एक महिला का शव अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था, जिसमें तत्काल ही थाना पुलिस की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा इसमें सबका पोस्टमार्टम कराया गया। इस क्रम में महिला के पुत्र की तहरीरी सूचना के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में जांच के आधार पर आज महिला के मृतका के दामाद प्रमोहन पुत्र रामनिवास को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिसमें इनके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया जा रहा है, जिसका कारण इनका आपस का पारिवारिक विवाद है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोबाइल लूट की घटना का खुलासा किया। इस दौरान आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गोमती नगर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कई लूट के 13 मोबाइल बरामद किए, साथ ही साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल, लूटा गया महिला का पर्स और नकदी भी बरामद हुई है। कल रात्रि में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त की है। ये पूरा एक गैंग है जिसमें 4 लोग हैं। इसमें मोनू रावत, जिसके ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं, वो भी इस गैंग का सरगना है। उसके ऊपर पूर्व से 2 अभियोग पंजीकृत थे। जब इनसे गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने युवती खंड और गोमती नगर थाना क्षेत्र के मध्य में ऐसी कई घटनाओं के बारे में अपनी बातें कबूली की, जहाँ से राह चलने वाले लोगों से मोबाइल वगैरह छीनना और पर्स छीनना इन्होंने कबूला है। जानकारी करने पर ये पता चला कि इस संबंध में लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो आज इन 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इन
मऊ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंशीपुरा इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब साधु के वेश में दो व्यक्ति एक दुकान पर पहुंचे और दो महिलाओं को प्रसाद के नाम पर कुछ खिला दिया, जिसके बाद महिलाओं से आभूषण सहित नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गौरतलब है कि मुन्नी और गुंजा नाम की दो महिलाओं के साथ साथ साधु के वेश में आए दो लोगों ने ठगी की। हालांकि दोनों व्यक्ति का जाते हुए फुटेज सीसीटीवी में जरूर कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खाली हुए, उसके बाद खाली हुए तो पता नहीं मेरा दिमाग घूम गया। अब फिर बोले कि गहना दीजिए, पैसा दीजिए, हम सब लिया कर दे दिए। तो कितना गहना दिए हैं आप? मेरा एक 25,000 का मंगलसूत्र था, वो दे दिए हैं। और 12,000 दी थी। कितना हुआ है? हुआ इनके साथ भी हुआ? इनका कितना गया है? तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।